टाइप का है और फिर यहाँ से हम लोग चलेंगे पारो, पर ज़्यादा दूर नहीं है, ये पारो में ही पड़ता है, पर पारो का बोंदे जगह बोलते हैं, पर मेन जो सिटी सेंटर है वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर मस्त हवा चल रहा है, ये नीचे वहाँ पर नदी जा रही है, क्योंकि ऊपर से रोड जा रहा है और ठीक उसके बाजू में से ये रिवर जा रहा है, इसको बोलता है पारो छू। तो हवा भी काफ़ी ज़ोर से चल रहा है और वो वहाँ पे ब्रिज जा रहा है, मतलब सीनिक ब्यूटी जो है बहुत अच्छा है यहाँ पे। पारो में हम लोग रूम खोजने को निकला है पहुंचने के बाद, तो देखते हैं कहाँ रूम मिलता है। पारो जो है बहुत ही क्लीन और अच्छा सिटी है, टाउन है एक्चुअली, बेसिकली यहाँ पे एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट की वजह से ये टाउन बन गया है। थिम्पू से इसका 1 घंटा का डिस्टेंस है और अभी हम लोग पारो में उतर गए टैक्सी स्टैंड में, वो आगे नीचे की और टैक्सी स्टैंड था, वो सीधा मैं टैक्सी स्टैंड से उतर के अभी हम लोग यहाँ पे चल के आए हैं ताकि रूम बुक कर सकेंगे। वो एजेंट लोग जो है वो लोग भी बुक कर देता है, बट वो लोग आपसे एक्स्ट्रा पैसा मांगेंगे, तो हम लोग खुद ही कोशिश करते हैं, 2-4 होटल में हम लोग पूछेंगे, उसके बाद ही हम लोग लेंगे। एक होटल तो मैंने पूछा था, उन्होंने बोला था 2000 रुपया, पर खुद से ही 1700 कर दिया है, तो ठीक ठाक था, पर मेरे को लगा कि और एक दो देख लेते हैं। रमेश भाई गए हैं वहाँ पे, शेफ स्पेशल रूम्स अवेलेबल है वहाँ पे, एक बार देखते हैं कि वहाँ पे क्या मिलता है। तो ऐसे अगर आप खुद आओगे तो खुद भी चेक करके ले सकते हो, तो क्या उसमें आपका बजट ट्रिप जो है वो सक्सेस हो जाता है। ये जो है ये पारो का मेन मार्केट है, तो इसी एरिया में ही आपको होटल मिलता है, हमें भी यहीं पे मिला है, तो हम लोगों ने पहले से बुक नहीं किया था, यहाँ पे आके बहुत मिल गया है, 1000 रुपया से लेके स्टार्ट करके कोई 3-4 हज़ार रुपया तक का होटल आसानी से मिल जाता है। बज रहा है रात के 10 और यहाँ पे एक डिस्को है इंसोमानिया के नाम से, तो अभी हम लोग जा रहे हैं वो डिस्को में, देखते हैं यहाँ के नाइट लाइफ जो है वो कैसे होते हैं। रमेश भाई मेरा पूरा रेडी हो गए, 2 दिन बाद कपड़ा चेंज किया है और अभी जा रहा है डिस्को में। तो सुबह पारो में है, कल ही आ गए थे पारो में, तो कल रात को हम लोग थोड़ा नाइट लाइफ देखे हैं और अभी सुबह सुबह हम लोग निकले हैं पारो में
जो ताकसांग बोल के जगह है वहाँ के लिए जाना है, तो वहीं से अपने को क्लाइंबिंग स्टार्ट होता है टाइगर नेस्ट के लिए। तो एक्चुअली सबने कहा कि हम लोग नहीं सकेंगे, तो ये हमारे लिए भी एक चैलेंज है कि देखते हैं सकते हैं कि नहीं। थोड़ा सा टफ तो बनेगा लेकिन बॉस करना ही पड़ेगा। और यहाँ का नज़ारा जो है मेरा हिसाब से थिम्पू से भी बेटर है। यहाँ पे आप देखोगे जितने सारा घर है ना, वो सारा का सारा घर जो है सेम पैटर्न सेम डिज़ाइन, जो इनका ट्रेडिशनल डिज़ाइन है वो इनके हिसाब से ये स्ट्रिक्ट लॉ है कि आपको यही डिज़ाइन मेंटेन करने पड़ेगा। गाइज अभी हम लोग निकले हैं थोड़ा सा शेयर करने के लिए पारो टाउन का जो रात का व्यू है वो मैं चाह रहा था कि आपको थोड़ा सा दिखाऊं, और रात का जो पारो का व्यू है वो भी आपको थोड़ा सा दिखा दें। ये है माउंटेन कैफ़े, इसके ऑपोजिट में कोई है मोमो कॉर्नर, वहाँ पे बोलता है बहुत अच्छा मोमो मिलता है। चलिए देखते हैं, शॉपिंग करना है भूटान का चीज़ तो वो हम लोग ले सकते हैं। माउंटेन कैफ़े का ऑपोजिट में कोई मॉल है, वो मॉल में सेंट्रल मॉल, ये रहा सेंट्रल मॉल। देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है, थोड़ा लोकल चीज़ और लोकल चिली लेकर जाएंगे। वो सामने में है लोकल मार्केट बाज़ार जिसको बोलते हैं। ये है यहाँ का लोकल सब्जी बाज़ार। यहाँ पर अपने को चीज़ चाहिए, देखते हैं चीज़ कहाँ मिलेगा। चीज़ कहाँ मिलेगा, चीज़ जो है शॉप में मिलेगा। और यहाँ पे जो मिल रहा है वो पनीर है, तो चिली तो शायद यहाँ पे मिल जाएगा, चीज़ ना मिले। आंटी चीज़ कहाँ मिलेगा, चीज़ लोकल चीज़ वो इमा दात्सी बनाने के लिए जो चीज़ होता है, हाँ वो कहाँ। ओके, और चिली ये चिल्ली कितने का, ये चिल्ली 150 केजी, ये वाला 140, और वो छोटा वाला जो है ये क्या है, दल्लो कुसानी है। हाँ तो आप वो दल्लो कुसानी एक दे दीजिए, और ये 250 ग्राम ये चिल्ली दे दीजिए ना, ये एमा दात्सी में ये डालता है क्या, हाँ तो ये दे दीजिए ना। और लोकल चीज़ कहाँ मिलेगा, शॉप में क्या। ओके, आज भूटान में हमारा आखिरी दिन है, हम लोगों ने ऑलरेडी फ्रेश रेडी होके नीचे आ गए और बैग जो है अपना गाड़ी में रख दिए। यहाँ पे टैक्सी स्टैंड में आपको शेयर टैक्सी मिल जाता है, 750 करके लेता है, तो उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी बैग रख दिया है। अभी जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि ये जो जर्नी है 4 से 5 घंटा का जर्नी है, तो हम लोग कुछ खा के उसके बाद फिर गाड़ी में बैठेंगे। फ्रेंड्स आज अभी हम लोग आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। आज ब्रेकफास्ट में जो हम लोग खाएंगे दैट इज़ कॉल्ड एमा दात्सी। ये जो है ये भूटान का वन ऑफ द फेवरेट डिश है, चाहे आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, एक बार तो ये खाना बनता है। बेसिकली ये जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो है इसमें वो शिमला मिर्च रहता है, थोड़ा सा अनियन रहता है, और जो हरा मिर्च होता है वो मिर्च होता है। बेसिकली मिर्च के साथ जो लोकल मेड घी है वो घी का एक मिक्स है। तो ये यहाँ का वन ऑफ द फेवरेट डिश है। ऐसा तो यहाँ पे ये लोग स्पाइस नहीं खाते ज़्यादा, लेकिन जो चिली है ये इनका फेवरेट है, ये चिली को जो है वेजिटेबल की तरह खाते हैं। और इसके साथ जो चपाती रोटी है ये रोटी का कॉम्बिनेशन है। तो चलिए आज खा के देखते हैं कि कैसा लगता है।
too good. Guys, too good. You must try this. सबसे पहले बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भूटान में जो अपना 5 दिन था, I think one of the best memorable journey for us.